हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय भाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे रेडमी 10 इंडिया के यूज़र हैं, रेडमी 10 पावर के यूज़र हैं, तो आपके लिए लेटेस्ट वन सिक्योरिटी पैच के साथ एंड्रॉयड 12 का इंडिया स्टेबल अपडेट फाइनली रिलीज़ हो चुका है। अपडेट का साइज़ कितना है, कौन से स्टेटस में रिलीज़ किया गया है, हमको अपडेट कब तक मिलेगा, अगर आपको अपडेट नहीं मिला है, इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन इस वाली वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप इस वाले यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और शेयर भी ज़रूर से यहाँ पर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे रेडमी 10 इंडिया के यूज़र हैं, अगर आप इस वाले वीडियो को देख रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही अभी तक रेडमी 10 इंडिया के ऊपर डिटेल वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रेडमी 10 इंडिया के लिए। तो यहाँ पर रेडमी 10 इंडिया के लिए न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, 13.0.2.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट। और अपडेट का साइज़ क्या है, कितने यूजर्स को ये अपडेट देखने के लिए मिल गया है, कौन से मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है, इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन इस वाली वीडियो में यहाँ पे देने वाला हूँ। तो अपडेट के साइज़ की बात करें तो इस वाले अपडेट का साइज़ 495 MB 13.0.1.0 एंड्रॉयड 12 से आपको देखने के लिए मिलता है। ये वाला अपडेट भी एंड्रॉयड 12 पर ही बेस्ड है, एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड नहीं है। और इस वाले अपडेट में आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यानी कि नवंबर 2022 का देखने के लिए मिल जाता है। इसका चेंज लॉग यहाँ पे देख सकते हैं, सिस्टम अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू नवंबर 2022 इंक्रीज्ड सिस्टम सिक्योरिटी। तो ये वाला अपडेट यहाँ पे अभी के लिए MI पायलट टेस्टर्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। इस अपडेट की रिकवरी रोम, इस अपडेट की OT रोम दोनों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, और ये अपडेट MI पायलट रिलीज़ यहाँ पे किया गया है। तो इस वाले अपडेट को 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर पब्लिक में भी रिलीज़ कर दिया जाएगा, और इसके रिगार्डिंग मैं पूरा आर्टिकल भी यहाँ पे ऑलरेडी राइट कर चुका हूँ। इस वाले आर्टिकल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे रेडमी 10C के यूज़र हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिख दी है कि आपको अपडेट का साइज़ वगैरह वगैरह क्या क्या देखने के लिए मिलता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसमें नवंबर के मंथ का सिक्योरिटी पैच एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट 2022-11-1, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि ये डिवाइस अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, तो इसको यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी पैचेस के भी अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और अब इसको फ्यूचर में MIUI 14 भी देखने के लिए मिलेगा, एंड्रॉयड 13 भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसको 99% MIUI 14 के साथ ही एंड्रॉयड 13 देखने के लिए मिलेगा, हालांकि इसको एंड्रॉयड 12 अभी हाल ही में मिला है, तब भी लेकिन इसको MIUI 14 के अपडेट के साथ ही एंड्रॉयड 13 का अपडेट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ इस डिवाइस के लिए हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको ये अपडेट देखने के लिए मिला है या फिर नहीं मिला है, तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को एक लाइक भी करना, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी ज़रूर से कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी पूरी आज की वीडियो।